तो अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर लोग जो स्नो ड्रेस होता है ना 250 में मिलता है उसका पैसा किस तरह से वसूल करते हैं। तो आप बने रहे, आइए। और ये देख सकते हैं ऊपर आप 250 का पूरा पूरा वसूली हो रहा है, चुकी है स्नो काली हो चुकी है। तो आप चिंता ना करें, ठेका हमने दे दिया है, पेंटर कल आ रहे हैं, पेंटर की पूरी टीम आ रही है व्हाइट कलर लेके, चूना लेके। तो कल ये वाली स्नो आपको पूरी व्हाइट दिखने वाली, वो एक्टिविटी ये वाली है फ्री वाली एक्टिविटी जिसमें एक और दीदी जी है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत मजा आ रहा है हमें। तो मैं बोल रहा था 250 वसूल करने, तो इनकी तरह एंजॉय करने पड़ेंगे आपको। तो ये 250 वसूल करे हमारे। और ये एक और रेलगाड़ी आ चुकी है, ये जा रही है दिल्ली को। दिल्ली वाले लोग अब रेलगाड़ी में जा सकते हैं दिल्ली की तरफ। अगर आप भी दोस्तों के साथ आ रहे हैं ग्रुप में, तो आप भी इनकी तरह मजे करेंगे और ग्रुप फोटो इस तरह से ले पाओगे। तो ये है आज का व्यू सुबह सुबह का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आइस भी आ जमी हुई, आप देख सकते हो पीछे, ये आइस है सारी जमा हुआ। तो मैं अभी रोहतांग पास पहुंच गया था, तो मेरे कुछ गेस्ट आए थे मेरे छोटे भाई के साथ, देशेश के साथ। तो ये देशेश के साथ आए थे, देशेश की गाड़ी में। हेलो सर, कैसे हो, क्या नाम है आपका? अमरिंदर। कहाँ से हो आप सर? लुधियाना। कैसा रहा आपका टूर? कुछ कहना चाहोगे आप बद्री डायरीज के बारे में? मैं तो यही चाहूंगा कि बद्री डायरीज को फॉलो करो, हमने भी फॉलो किया, पर हम जान तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़िया, जाम भी नहीं मिला। कोई जाम भी नहीं मिला, अर्ली मॉर्निंग, हम नाइस गाइड किया हमें, बहुत बढ़िया। आप कहना चाहोगे कुछ? नहीं, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बस बढ़िया है, इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। तो इनको लगता है बहुत मजा आ गया सुबह सुबह कर, अच्छा व्यू मिल गया। तो चलो ये जा रहे हैं वापस शायद, तो मिलेंगे अगली बार इनसे। बाय बाय। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे, हमारी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आपको। तो आज है 15 जून 2024 और रोहतांग पास का आज है 23वां दिन। तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज है, रोहतांग पास कैसे आए, परमिट कब लें, कैसे परमिट मिलेगा। तो परमिट वाला वीडियो हमने पिछले कल ही अपलोड किया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप परमिट वाला वीडियो देख लें। और आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हो, बाकी टू व्हीलर में आप रोहतांग पास नहीं आ सकते। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि काली हो चुकी है स्नो, काली हो चुकी है। तो आप चिंता ना करें, ठेका हमने दे दिया है, पेंटर कल आ रहे हैं, पेंटर की पूरी टीम आ रही है व्हाइट कलर लेके, चूना लेके। तो कल ये वाली स्नो आपको पूरी व्हाइट दिखने वाली है, कल से आपको व्हाइट स्नो दिखेगी। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, समर जून है, आज 15 जून है दोस्तों, तो ये फुली समर है, तो आपको समर में भी माइनस टेम्परेचर और इतना स्नो मिल रहा है, पहले तो वही खुशी की बात है। तो आपको इतनी स्नो मिल रही है तो आप उसमें भी खुश रहे, आप कमेंट ना करें कि काली स्नो है वहाँ पर। अगर आपको काली स्नो नहीं देखनी है तो आप घर में भी रह सकते हो और फ्रिज वाला स्नो भी देख सकते हो। बाकी स्नो आप देख सकते हो कितना फ्रेश है, अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, थोड़ा काली तो होगा क्योंकि ये हमारी वजह से ही काली हो रही है, क्योंकि लोग 10 से 20 हज़ार लोग डेली आते हैं और स्नो में कूदते हैं, तो गाड़ियों के पोल्यूशन की वजह से, जूतों की वजह से बर्फ स्वाभाविक है काली होना। और अगर आपको बर्फ़ में ढेर सारे खूब सारे मजे करने हैं, एक्टिविटी करनी है, तो 12 लांचा नहीं जाएं, आप रोहतांग पास आए। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट स्नो देखनी है तो आप 12 लांचा जाएं। और स्नो की एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आपको आना पड़ेगा रोहतांग पास, रोहतांग पास में आपको स्नो एक्टिविटी मिलेगी। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग साइट आपको रोहतांग पास मढ़ी में भी मिलेगा और सोलांग वैली में भी सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट मिलेगा आपको। बाकी अगर आप 12 लांचा जाना चाहते हो तो आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए, तभी आप 12 लांचा पास जा सकते हो। और 12 लांचा पास में खूब सारा स्नो है, आपने देखा ही होगा हमारी वीडियो में। अगर 12 लांचा वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप 12 लांचा वाला वीडियो भी देखें। तो अब आपको कुछ यहाँ के व्यू पॉइंट दिखाएंगे और एक्टिविटी दिखाएंगे, कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो चलो दोस्तों, तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरा दोस्त आया, एक डिज़ायर लवर। तो इंस्टा पेज में मैंने इनका वीडियो डाला हुआ था, आपने देखा ही होगा बहुत सारे भाइयों ने, और कुछ भाइयों ने फॉलो भी किया होगा भाई को इंस्टा पे।
तो भाई भी आज मेरे साथ व्लॉगिंग में आ रहे हैं। थोड़ा हम आपको एक्टिविटी पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ पर, कौन सी एक्टिविटी हो रही है। कुछ एक्टिविटी बिल्कुल फ्री में होती है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग कर रहे हैं वो वाली एक्टिविटी। वो एक्टिविटी ये वाली है, फ्री वाली एक्टिविटी, जिसमें आप स्नो के साथ एक दूसरे को मार सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ से तेल के टैंकर जा रहे हैं ले की, और आप देख सकते हो इस प्यारे सी वादियों में, क्योंकि ले के लिए पेट्रोल डीजल मनाली होकर ही जाता है। आप कमेंट करते हैं भैया ये वाला स्नो पॉइंट कहाँ है। आप अगर गुलाबा कोठी होकर आ रहे हो तो आप रोहतांग पास 0 पॉइंट से थोड़ा सा 500 मीटर और आगे की तरफ आएं, इसी वाली लोकेशन पे आप आ जाएं। इस वाली लोकेशन में इतनी ज़्यादा स्नो है, और माउंटेन व्यू देखो आप कितना प्यारा लगता है यहाँ से, और स्नो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी लगती है। जहाँ पर बहुत सारे लोग रोड साइड ही इंजॉय कर पाते हैं, लोगों को चलना नहीं होता ज़्यादा दूर, तो वो रोड के साइड में ही मज़े कर पाते हैं, जिसे उन्हें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती है और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग यहाँ ऊपर स्लाइडिंग भी करते हैं और 200-250 का वसूली भी करते हैं स्नो ड्रेस का, वो तो आपने देखा ही होगा। आज तो मौसम बिल्कुल क्लियर है और ये पहाड़ों की श्रृंखला कितनी प्यारी लग रही है आज की, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगर आपको स्नो एक्टिविटी करनी है तो इस वाले पॉइंट में नहीं होती है दोस्तों, तो आप गाड़ी वाले को ज़्यादा परेशान ना करें। स्नो एक्टिविटी 0 पॉइंट पे ही होती है, जहाँ पर थोड़ी काली स्नो है, क्योंकि जहाँ पर एक्टिविटी होगी वहीं पर काली भी स्नो होगी, एक्टिविटी कर करके गंदी भी होगी स्नो। अगर आपको वेस्ट स्नो चाहिए, अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे तो थोड़ा आगे आ जाएँ, फिर यहाँ आकर ये ना बोले कि हमें रोहतांग पास वाले बोर्ड पर जाना है। तो यहाँ पर इतनी बेस्ट स्नो आपको मिल रही है, स्नो देखना अगर आप आ रहे हैं तो यहीं पे अपना गाड़ी साइड में खड़ा करके पार्क कर लें रोड की साइड पे, बीच रोड में आप पार्किंग ना करें, नहीं तो जाम बहुत ज़्यादा लगता है। रोड के साइड में अगर आप पार्किंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमारे सभी भाइयों ने गाड़ी साइड में पार्क की है, आप देख ही सकते हो। लगता है रोहतांग कम लोग आते होंगे, रोहतांग हर दिन 10 से 20-30 हज़ार लोग, 40 हज़ार लोग पहुँचते हैं दोस्तों। लगभग एक दिन में 1200 गाड़ियां रोहतांग पास में आती है। हर गाड़ी में किसी में 4 मेंबर होते हैं, किसी में 5, कोई टेम्पो ट्रैवलर होता है 12 सीटर 13 सीटर, तो आप सोच ही सकते हो 1000 गाड़ियों में लगभग 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं। तो बर्फ़ भी कितनी गंदी होती होगी, और सभी ने कितने प्यारे प्यारे से व्यू में अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल साइड में कोने में पार्क की हुई है बहुत ही प्यारे तरीके से। ये बेस्ट तरीका है पार्क करने का। तो कल हमारी एक गाड़ी के साथ बहस हो गई थी, उसने बीच रोड में गाड़ी पार्क कर दी थी दोस्तों। तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि HP नंबर वाले ही गुंडागर्दी करते हैं। कमेंट कर रहे थे कि हिमाचल वाले ओवरटेक करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो तो कुछ लोग आपने देखा होगा वीडियो में देखा होगा, कोई रोड़े निकालते हैं, कोई क्या निकालते हैं, ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो बाहर की गाड़ियाँ ही होती है, क्योंकि उन्हें आदत होती है नीचे गुंडागर्दी चलती है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलती है। अगर आप ही हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे हो तो अपना गुंडागर्दी जो भी आपका एटीट्यूड होगा वो अपने घर में ही रख के आएँ। आप अगर घूमने आ रहे तो घूमने के माध्यम से ही आए, यहाँ पर दारू इत्यादि पीकर किसी के साथ पंगा ना करें दोस्तों। घूमने आ रहे तो एंजॉय लेके अपना वापस चले जाए आराम से। बना दे रही मतलब है। अब रुको पहले बताओ क्या बोलो। डिजायर लवर हमारे साथ आके बहुत ही ज़्यादा खजल हो रहे हैं क्योंकि भाई कभी कभी मिलते हैं सौभाग्य से, मतलब जो हमारे बद्री भाई है मानना पड़ेगा इनको, इनका जो कंटेंट है मतलब इनका बोलने का तरीका भाई, और तुम मतलब कैसे बोल लेते भाई आप ब्लॉगिंग डेली तो दोस्तों बिच रोड में गाड़ियां चला रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि हिमाचल वाले गुंडागर्दी करते हैं, नशे करके चले हैं और गाड़ी को कभी इधर को डाल रहे कभी उधर को डाल रहे हैं। इसकी वजह से जो आगे से गाड़ी आएगी इसी के साथ डैमेज हो जाएगी। इतना खुला रोड है, इसको क्या ज़रूरत है रॉन्ग वे में ले जाने की। गाना लाउड स्पीकर में फुल स्पोर्ट में रखा है और चले है नशे में धूत होकर। देखो धूप लगी हुई है तब भी रोड जमा हुआ है, ये देखो दोस्तों। और आपको लगता है रोहतांग पास में ठंडा नहीं है भाई, पूरी आइस जमी है यहाँ पर, देख सकते हो। डेट भी देख सकते हो आप, 15 जून सैटरडे 8:04, और रोड है पूरा स्लिपरी है। मेरी रानी पहाड़ों की रानी दोस्तों, पहाड़ों की किंग। देखो भाइयों, भाई ने बम्पर ही ठोक दिया भरे बर्फ में जल्दबाजी के चक्कर में। ऑल्टो की रानी मुझके भी यहाँ पर। तो मेरी रानी प्यारे से व्यू में बहुत ही प्यारी लग रही है। एक व्लॉग आएगा दोस्तों जिसमें मेरी रानी का पूरा हिस्ट्री आएगा, जिसमें मैं आपको
अपनी गाड़ी के बारे में पूरा बताऊंगा कि ऑल्टो गाड़ी सबसे बेस्ट पहाड़ों की रानी है। आज से 2-3 साल पहले बहुत चलती थी ये गाड़ियाँ, तो आज की डेट में हर टूरिस्ट का ये कहना है हमें ऑल्टो कार नहीं चाहिए, हमें डिजायर चाहिए। तो दोस्तों प्लीज ऐसा ना सोचे, ऑल्टो भी एक गाड़ी है। ऑल्टो भी मतलब जहाँ बर्फ पड़ेगी वहाँ ये गाड़ी आराम से निकल जाएगी, भले डिजायर नहीं निकलेगी, ऑल्टो आराम से निकल जाएगी दोस्तों। तो आप प्लीज ऑल्टो में भी सफर करें। ऑल्टो में 2 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, बेस्ट गाड़ी और इसका अपना अलग एंजॉय है दोस्तों। अगर आपको ऑल्टो का क्रेज देखना है तो आप विंटर में आए, ऑल्टो का क्रेज आपको पता लग जाएगा, अल्टो का क्रेज क्या होता है विंटर में और अल्टो किस लेवल की गाड़ी है। लगता मेरे गेस्ट फ्री हो चुके हैं, ये वापस आ चुके हैं बहुत ही जल्दी। हाँ जी सर, बहुत जल्दी आ गए आप, फ्री हो गए? भाई लगते है थक गए हैं, लगता है भाइयों का एंजॉय हो चुका है स्नो वाली एक्टिविटी करके। तो ये जा रहे हैं गाड़ी की तरफ इस प्यारे से व्यू में, उधर जा रहे हैं, उधर ऊपर उधर जा रहे हैं। तो भाई जा रहे हैं ऊपर रोहतांग पास की चोटी पे, तो हम आगे को जा रहे हैं, थोड़ा आपको दिखाएंगे लोग किस तरह से मजे करते हैं। और ये डिजाइन दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कुल्फी खाने का मन कर रहा है, बहुत गर्मी से बुरा हाल है आपका, तो आप रोहतांग पास आ सकते हो और अपने आप एक ग्लास लेके आ जाए और उसको ऐसे करके हल्की सी उसमें चीनी डाल के कुल्फी बना ले और ऐसे खा ले दोस्तों, मजा ही मजे दोस्तों, फ्री में कुल्फी खा के मजे आ जाएंगे आपको। तो अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर लोग जो स्नो ड्रेस होता है ना 250 में मिलता है उसका पैसा किस तरह से वसूल करते हैं, तो आप बने रहे आइए। और ये देख सकते हो ऊपर आप 250 का पूरा वसूली हो रहा है, किस तरह से वसूली होता है आप देख सकते हो। बर्फ में घूम रहा था यहाँ पर, अपडेट देने के लिए उतरा ही था। यहाँ पर पीछे कुछ मुझे लोग दिख रहे हैं जो मुझे बद्री डायरीज बुला रहे हैं, तो मैं उनसे मिलके आता हूँ, पूछता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी का। तो बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर हैं जो मुझे जानते हैं, शायद मेरे सब्सक्राइबर है। हेलो नमस्ते, हेलो, हम इन्हीं की वीडियो देख के यहाँ आ जाए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और इनको इनको फेस टू फेस देख के और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनकी वीडियो ले लो, वो मेरे हस्बैंड है और हम तो साथ में। कितने लोग आए आप? हम 4 लोग आए। और क्या कहना चाहोगे आप बद्री डायरीज के बारे में? अच्छी वीडियोस बनाते हो, बिल्कुल एक्यूरेट अपडेट्स देते हो, जो यहाँ एक्चुअल में हो रहा होता वही देते हो। तो आप देख ही सकते हैं, हम स्नो ड्रेस की बात कर रहे थे एंजॉय के लिए, तो इन्होंने भी स्नो ड्रेस पहन रखी है। तो बाकी इनके फैमिली मेंबर ऊपर है तो इनसे भी मिलेंगे। तो ये देखो मैं बोल रहा था 250 वसूल करने, तो इनकी तरह एंजॉय करने पड़ेंगे आपको। तो ये 250 वसूल करे हमारे दोस्त। हाय बद्री भाई साहब। हेलो नमस्ते, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ से हो आप? ऐसे दिल्ली से भाई साहब। कैसा लग रहा है रोहतांग पास आकर? कैसा लगता है हमारा वीडियो आपको? बहुत बढ़िया। कुछ शिकायतें तो नहीं है आपको भी हमारे से? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम फेक वीडियो बनाते हैं। रियल वीडियो है यार, सब कुछ रियल है। और स्नो ड्रेस का फायदा पूरा उठा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आईडी बता देना। अश्विनी कुमार। ठीक है भाई, ठीक है। 38 38 इंस्टाग्राम लाइक करें, फॉलो करें, हमारी भी प्रमोशन करा दो भाई। बद्री डायरी को भी लाइक करें, फॉलो करें, मनाली जरूर आए, बद्री डायरी भाई साहब से जरूर मिले। एक और दीदी जी है यहाँ पे फ्रॉम दिल्ली, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत मजा आ रहा है हमें, और हम लोग जब से आए ना, हमने ना आपको रास्ते में ही देख लिया था, और अश्विनी कह रहा था हमारा फ्रेंड कि अच्छा हमने वो बद्री डायरीज भी यहाँ पर आए हुए हैं, और हमें आपसे मिलना था, हमारा भी प्लान ही था कि हम लोग नीचे उतर के मिलते आपसे। चलो किस्मत ने आपसे मिला दिया। अच्छा लगा हमारे पास यहाँ तक आ गए, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ऐसे ही बद्री डायरीज को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसा ही अपडेट आपको डेली मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। अगर आपको भी ये मजे करने हैं तो मनाली रोहतांग पास तो आना ही पड़ेगा। और ये एक और रेलगाड़ी आ चुकी है, ये जा रही है दिल्ली को। दिल्ली वाले लोग अब रेलगाड़ी में जा सकते हैं दिल्ली की तरफ। थक चुके हैं तो आप बर्फ में लेट के सो भी सकते हो आराम से।
बहुत खुशी होती है जब मुझे अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं और उनकी हमारी वीडियो के थ्रू मदद हुई होती है, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो फिर से मिलेंगे वीडियो में आज शाम को, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर याक राइड हो रही है, नीचे आप देख सकते हो याक राइड ट्यूब राइड हो रही है। बाकी अब हम थक चुके हैं तो हम भी अब वापिस जा रहे हैं मनाली की ओर। कुछ लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी रील्स भी बना रहे हैं अपने। अगर आपको भी ऐसे स्नो में रील्स बनानी है तो रोहतांग पास आना पड़ेगा। अगर आप कमेंट में गालियाँ लिख रहे हो तो फ्रिज के अंदर घुस के अपनी रील बना ले। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए खोक्सर में रुका हुआ था तो एक सब्सक्राइबर भाई मिले हैं जो हमारी अक्सर वीडियो देखते रहते हैं। तो भाई भी अभी जा रहे हैं रोहतांग पास। क्या नाम है भाई आपका? शिवेश। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम, मनाली से आ रहा हूँ, भैया का ये ब्लॉग देख के आया हूँ। बहुत हेल्प मिली थी इनके ब्लॉग देख के, तो सब्सक्राइब कर दो इनके चैनल पे। काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अप टू डेट चीज़ें बताते रहते हैं, क्या चल रहा है, कहाँ क्या कितनी बर्फ मिलेगी, कैसे जाएँ, कहाँ क्या भीड़ है क्या नहीं। भैया तो वैसे कहाँ से हो आप भाई? मैं वैसे लखनऊ से हूँ। लखनऊ से तो कैसा लग रहा है फिलहाल? तो आप यहीं हैं, अभी भाई बर्फ में जाएंगे? नीचे तो काफी गर्मी थी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ तो काफी आराम। अभी भाई जाएंगे बिल्कुल जीरो टेम्परेचर में और वहाँ से टैग कर देना भाई वीडियो, अच्छा सा रील बना के। ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम यार। मैं वापिस रोहतांग पास से सोलांग वैली पहुँच चुका हूँ। अगर आप इस सोलांग वैली विजिट करना चाहते हो तो इस टाइम पे पूरी ग्रीनरी आई हुई है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग सबसे मस्त होती है। सबसे मस्त पैराग्लाइडिंग यहीं पे होती है दोस्तों, आप देख ही सकते हो रोप वे भी यहाँ पे है, तो आप रोप वे और पैराग्लाइडिंग का लुक सोलांग वैली में उठा सकते हो। बाकी अभी यहाँ स्नो की एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, स्नो एक्टिविटी करनी है तो आपको जाना पड़ेगा रोहतांग पास। होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप भी मनाली घूमने आ रहे हो, रोहतांग पास जाना चाहते हो तो जाम भी देख लें। आप भूल कर भी अपना प्लान सैटरडे संडे को ना रखें क्योंकि सैटरडे संडे को वीकेंड रहता है जिस वजह से सभी लोग मनाली पहुँच जाते हैं। अभी की स्थिति आप देख सकते हो, हम रोहतांग पास से वापस आ चुके थे, सोलांग वैली से आगे हमें जाम स्टार्ट हो गया और सोलांग वैली से मनाली पहुंचने को हमारे को 1.5 घंटे लग गए कम से कम। अभी होटल पहुंचते पहुंचते लगता है 1 घंटा और लगेगा। हमारा होटल है ओल्ड मनाली रोड पे, आप देख सकते हो ओल्ड मनाली रोड पूरा पैक है। अभी कल फिर से मिलेंगे आपके साथ एक न्यू अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।